बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो नहीं जी डार साहब आ रहे, कोरोना नहीं है, इधर आओ जी। शुरू डार साहब आ जाओ, हाँ आ जाओ जी, मैं तुम्हारे साइज फोटो बनाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। इस वक्त हम आपकी खिदमत में लाइव आए हैं रात के इस पहर में, जिस छत पे मौजूद हैं। ये छत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हमेशा से इनका रहा है और एक बड़ा ही थोरली इनका इंटरव्यू मैंने यहाँ पर किया है उस्ताद खुर्रम कियानी साहब, और वो मज़ीद उनकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। परफॉर्मेंस इनकी किसी से ढकी छुपी नहीं है, इस दफ़ा भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। टूर्नामेंट भी इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो है उसके चैम्पियन है ये, और 1-to-1 मुकाबलों में भी एक खातिर ख्वाह इनकी कामयाबी रही है। हमेशा से शौक कर रहे हैं, जो 3 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनकी परफॉर्मेंस आती रही है। हम उस्ताद खुर्रम कियानी साहब की तरफ जाएंगे, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपनी टीम का भी सब लोगों का तारुफ हमें करवाते जाएँ साथ साथ, तो मज़ीद जो इनकी कामयाबियाँ और उसके बारे में जो डिटेल्ड इंटरव्यू है वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात करते हैं उस्ताद खुर्रम कियानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कमरान भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है। अच्छा कियानी साहब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा है आपका, सब कुछ रहा है, तो इसमें से जो क्रेडिट आप देंगे तो किन किन लोगों को क्रेडिट देंगे, और ये इतनी टीम इतने लोग रात के इस पहर में आपके साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जितने खड़े हैं सर सारों को क्रेडिट है, क्योंकि ये इस जीत का एहसास आ रहे सही, और इन्होंने सारों ने जो है बड़ी सपोर्ट की है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है हमारे साथ, तो बिल्कुल ये क्रेडिट सारा इनको जाता है। बिल्कुल, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन किस किस तरह से? ये लम्बरदार सजाद साहब हैं। अच्छा, ये ज़्यादा हमें जो है कंपनी देते रहते थे, गपशप लगाते रहते थे हमारे साथ, कबूतरबाज नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये इन्वॉल्व रहते थे। अच्छा, अच्छा। इनका यही इन्वॉल्वमेंट रही है कि हमें अच्छा टाइम देते रहे। बिल्कुल सही। ये नईद साहब हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, कबूतर आना उतारना संभालना। अच्छा, ये नईद भाई करते थे सही सही, बहुत ज़्यादा। ये मेरा शागिर्द है नसीर, इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट आके कबूतरों को देखना, कितने बैठ गए, क्या कहाँ से निकला। बिल्कुल, ये सारा इनका किरदार रहा है। ये इनके आगे कज़न है, मेरे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट की है। इनका जो है दाने का भी काम है, बिजनेस है इधर। अच्छा। बहुत अच्छा तरलाई में। ये आपके फूड मिनिस्टर भी होंगे? जी बिल्कुल, ये हैं। तो इनका ये हैं उस्ताद नासिर साहब, मेरे शागिर्द हैं, इनको उस्तादी दी है। अच्छा। इनका बहुत मेन किरदार है, ये जो हम जीते हैं टूर्नामेंट पिछले साल इस साल, नासिर ने बहुत एफर्ट, ये मेरे साथ जोड़े भी लगाता है सूफी के साथ, बड़ी मेहनत करता है, नुक्से शुक्से भी जानते हैं करते रहे, कहीं ना कहीं हमें जो हम काम करें उसमें इंटरप्ट हमें करते हैं, लेकिन फिर मिल के साथ चलते भी हैं। सईद भाई हैं, ये माशाल्लाह पूरी सपोर्ट है, इन्होंने घर में जोड़े रखे हुए हैं। बिल्कुल सही। उनके जो बच्चे निकलते हैं वो छत पे छोड़ते हैं, हमारे साथ इनका शौक है सही। ये मेरे भाई हैं तो इधर ही शौक होते हैं। मानी भाई भी इसी तरह हैं। ये कफील साहब हैं, चौधरी पार्टी से इनके रिलेटेड हैं, और ये मेरे भाई हैं बड़े। अच्छा, तो ये इनका उठना बैठना हमारे साथ ही है, कबूतरबाजी भी एक दूसरे से हम गपशप अच्छी लगाते हैं, एक अच्छा टाइम भी हमें देते हैं। ये वो हस्ती है जिसकी सारा साल की मेहनत है। अच्छा, नदीम साहब की सही इस छत पे, और ये जो गाड़ियों के टूर्नामेंट हैं ये ही हस्ती है जिसकी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम पता दी है। जी ये कज़न है इनके, क्या नाम है, नसीर के बड़े भाई हैं, इनका दाने का ही काम है उनके सफर, तो ये भी इसी छत पे होते हैं। तो ये मेरा भाई है नदीम के दोस्त हैं बड़े अच्छे तरलाई से, इनकी पूरी सपोर्ट हमेशा हमारी तरफ रही है, स्पेशली दुआएं इन्होंने हमारे लिए बहुत की हैं, हर तरह इन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट की है। ये बाबा जी हैं जो मेरे ब्रीडिंग सेटअप को सारा कंट्रोल ये करते हैं सही सही। जी ये बखर से हैं, बखर से हैं और लाहौर में रह के। जी बिल्कुल, लोहरी बाबा जी मशहूर है। हाँ बिल्कुल सही हो गया। नदीम साहब से तो हम ये कहेंगे कि ये ज़रा हमें आपके जो इस दफ़ा कबूतरों ने परफॉर्म किया था जी जी, उनको अगर पिंजरे में ये अलग करें तो इनसे फिर हम वहाँ पे बात करेंगे ठीक है ना। तो अगर उनमें से कोई दो चार सारे तो नहीं दिखा नहीं, सारे नहीं, दो परिंदे जो हैं वो जो उड़े हैं जी जी वो इधर से चले गए, हमने मतलब जो मौजूद है वो आपको उनको ये एक वो जो लास्ट वाले में या जिसमें भी छोड़ना चाहते हैं उसमें करें, फिर वहीं आपसे बात करते हैं। बाकी ये इनका नाम सॉरी मैम कफील साहब क्योंकि चौधरी पार्टी से ये उस्ताद अच्छी के पीर भाई हैं जी। बिल्कुल सही, माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप खुर्रम कियानी साहब के बारे में, बीइंग अ ओपोनेंट, एक आप क्योंकि मुखालिफ दफ है, मुखालिफ ग्रुप है। अभी जो आजकल जो शौक है जिस नैच पे और जिस जिद्दत के साथ, उसमें राजा खुर्रम कियानी साहब का बहुत बड़ा रोल है सही। इन्होंने अच्छे तरीके से कबूतर परवरी को
और इन कबूतर उड़ाने में इन्होंने बहुत बेहतरीन रहनुमाई दी है। बिल्कुल सही, बहुत एक रोल मॉडल अच्छा दिया है और पॉजिटिव होकर खेलना इन्होंने लोगों को सिखाया। बिल्कुल सही, तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों के साथ मिल बैठ के शो को देखते भी हैं और उसको इसी तरह संभालते भी हैं। सही, तो हमें तो इनसे मैं समझता हूँ कि हमारे इस शो में दिली प्यार है। बिल्कुल, इस खास तौर पर कबूतरबाजी के इस कबूतर परवरी के शौक में रावलपिंडी इस्लामाबाद में उधर ही रख रहे हैं खुर्रम कियानी साहब का अच्छा कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही, और इनकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में शौक में बेहतरी आई। बिल्कुल ठीक जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मानी भाई सईद भाई तो हमारे साथ बैठ चुके हैं जी। मानी भाई क्या कहना चाहेंगे खुर्रम कियानी साहब के बारे में, इनके शौक के बारे में या पिंडी के शौक के बारे में? माशाल्लाह जी, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इस साल, बहुत पिछले साल भी देते रहे, पहले भी इनका बहुत अच्छा नाम है और इस साल बहुत अच्छा, कप में भी बाजियाँ भी बहुत अच्छी, तो माशाल्लाह इनकी वजह से लोगों को अच्छा शौक देखने के लिए मिला। तो मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने लोगों को दिखाया कि कैसा शौक होता है। बिल्कुल सही हो गया, बहुत शुक्रिया जी। ये स्पेशल लगाना, अच्छा पिक्चर वो आ रहा है, अभी आ रहा है कैमरा लेकर, तो वो आप क्लोजअप लेता है सर। तो सईद साहब, सईद साहब ये जरा नासिर से जरा बात, नासिर भाई वहाँ चले गए, ये शागिर्द भी है उस्ताद भी है मैंने से किया हुआ जी। नासिर भाई क्या समझते हैं जो यहाँ की का माहौल है उसके मुताबिक जो आपकी कबूतरबाजी है यहाँ की, तो क्या समझते हैं कि आगे आप किस तरह से इसको लेके चलेंगे, क्या आगे भी आप अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रख सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, इंशाल्लाह हमने जो पहले जो मेहनत की है इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी करेंगे और इंशाल्लाह उस्ताद का नाम जो है रोशन करेंगे। बिल्कुल सही, तो बाकी रही किस्मत की बात, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले साल भी अच्छी परफॉर्मेंस आए हमारी। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, तो उसमें मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा भी आप लोग तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गए हैं पहले जो टूर्नामेंट्स में, लेकिन उसके बावजूद आपके तीन ओपोनेंट ऐसे हैं जो उन्होंने बताया है खुर्रम भाई से, जो मेरे बात हो चुकी है पहले भी, कि तीन ओपोनेंट ऐसे हैं जिन्होंने आपको विन किया, इसका मतलब है कि कंपटीशन आपको एक टफ ही मिलना है हमेशा जी जी। तो उसकी आप तैयारी कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि ये जो टफ कंपटीशन जैसे हर साल चेंज होता जाता है, हर साल गेम चेंज हो रही है जी, हर साल वेदर चेंज हो जाता है, तो क्या आप उसके मुताबिक अपने आप को एकदम से ढालने की सलाहियत रखते हैं कि अगर मौसम ऐसा हो जाए तो आप किस तरह की स्ट्रेटजी रखेंगे? और उसके बाद ये तो है तो मुश्किल थोड़ा सा काम, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर हो। हर साल हमने मौसम की हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि मौसम में हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छे परिंदा मौसम की खराबी की वजह से निकल जाते हैं। आपका टाइम भी शॉर्ट है, पौने आठ तक पौने आठ का टाइम है, तो इससे पिछले साल भी हमारे साथ यही हुआ, ओवर टाइम बैठे हैं, मौसम की वजह से हमें बड़ी परेशानी बनती है हमारे, तो इंशाल्लाह इस साल भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये देखें इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और सईद साहब आएंगे, सईद भैया आप भी बुला लें जी, ये बस यही है, वो तो कोई नहीं। सईद भाई आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपकी ब्रीड इस काबिल है इस वक्त जो यहाँ पे कबूतर मौजूद है? ऑब्वियसली है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि लिए ना ये मौसम जो है ना जो टेम्परेचर है खास तौर पर ना वो थोड़ा कम है? सही, ये ज़्यादा टेम्परेचर वाले कबूतर हैं, ठीक है, इनकी जो उड़ान की जो टाइमिंग है इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि ज़्यादा टेम्परेचर वाले को अगर कर रहे हैं कम में उड़ाना पड़े तो साथ साथ जो है ना जी जी बहुत तावन कर रहे हैं हमारे साथ, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक दे रहा तो बेहतर इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तो ये जी भाई हैं आए हुए हैं इधर छत पे खुर्रम कियानी साहब के पास, जिनका इनका स्पेशल एक पैकेज आपको बता देंगे, ये दाने का इनका तरलाई में शॉप है, अपना जरा नंबर शंबर बता दें जी। मेरा नंबर है ऊंची करके बताना क्या कि लोगों ने सुने सुनाई भी दे दें। हाँ ठीक है सर, मेरा नंबर है 0312-5353-875 0312-5353-875 तरलाई में इनकी शॉप है, तरलाई कलाम है, सुपर स्टार ट्रेडर्स दाने की हर किस्म और बेहतरीन दाना इनके पास जो आपको मिलेगा।
और आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका दाना कितना अच्छा होगा कि खुर्रम भाई की जद पे यहाँ पे ये मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनका दाना आता होगा। हाँ जी, तो रावलपिंडी भाई की तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से अगर कोई शख्स दाना लेना चाहे तो इनके पास आ सकता है और इनके नंबर पे बिल्कुल रब्ता कर सकता है। वो अपना अब ये दोबारा से नंबर बताएंगे ताकि पिंडी वालों को भी समझ आए। नंबर क्या है जी? 0312-5380-75 बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं भाई है ये नईम भाई हैं जी। नईम भाई क्या कहना चाहेंगे, ये आप जो शौक यहाँ देखते हैं क्या पहले भी ऐसे ही शौक हुआ करता था इन इलाकों में? जी जी, शौक अभी बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, पहले भी होता था माशाल्लाह, अभी खुर्रम भाई की सब से बहुत अच्छा शौक होता है, मज़ा करते हैं। हाँ तकरीबन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, इन्होंने टूर्नामेंट भी खिदमत पिंडी इस्लामाबाद में खिदमत सारे भी निकले हैं माशाल्लाह। बिल्कुल नईम भाई मालिक है जी इस छत के। अच्छा, ये जिसको अच्छा चाहे जिस तरह चाहे कर सकते हैं, पूरी थर्टी है। अच्छा, बेहतरीन हो गया। तो यानी कि आपको इंजॉय करते हैं आप? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नंबरदार साहब, आप जगह जगह हमारे साथ हैं माशाल्लाह। और मैंने अब सुना है कि आपको कबूतरबाजी का बस शौक ताल्लुक है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये जो ये शौक करें इसके बारे में क्या कहेंगे? खुर्रम भाई भाई जैसे हैं जी, सिर्फ भाई नहीं है, मुंह से हम नहीं कहते, दिल से मानते हैं इनको भाई। अच्छा, और हमें भी ये भाई मानते हैं। और जहाँ तक शो की बात है, मैं समझता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में इनसे अच्छा मुझे शौकीन आज तक नज़र आया। सीधी सी बात है, सही, बहुत से लोग हैं अच्छा शो करते हैं मगर मुझे इनसे ज़्यादा कोई नहीं लगा। सही, और जितनी इनको समझ है और जितने अच्छे परिंदे हैं इनके पास और जितनी ये मेहनत करते हैं, और जितनी हमारी ये टीम है सारे नासर भाई हैं, सईद भाई आ जाते हैं, नईम भाई हैं, रिजवान भाई, नदीम भाई हैं, और भी हमारे और दोस्त अहबाब काफ़ी हैं, नईद भाई हैं, तो ये सब मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेहनत बहुत करते हैं ये, और हमें उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह नाम होगा और नाम होगा और इसी तरह ये परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। और हमें बस यहाँ पे टाइम शॉर्ट होने की वजह से भी और इस्लामाबाद पिंडी का मौसम भी ऐसा होता है बादल वगैरह और इस तरह, उस वजह से भी काफ़ी मार पड़ जाती है, काफ़ी कबूतरबाज इससे मुतासर होते हैं, उसमें हम लोग भी हैं और हमारे ज़्यादातर ओवर टाइम कबूतर पिछले सीज़न काफ़ी बैठे थे, और इस दफ़ा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबूतर 5-6 के बाद ही 6-7 कबूतर बैठे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लोगों को बहुत अच्छा शौक देखने को मिला है इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह लोगों को शो अच्छा देखने को मिलेगा जी। थैंक यू सर वेरी मच। अब चलते हैं जी, रात हो रही है, सब कबूतरों में ज़रा चलते हैं। कहाँ जा रहा है? वॉशरूम जा रहा है। अच्छा, तो वहाँ मैं उनके पास ही लेके जा रहा हूँ ना, मैं इधर कबूतर लाइव भी दिखा दूंगा, दूसरा एक क्लिप ये भी निकाल लेंगे बीच में। हाँ कोई बात नहीं, हमें ये तो पता लग जाता ना कि ये हमारे परफॉर्मर्स हैं, तो ये इस तरह हम ज़रा आप देख वो अभी तो ज़रा ये हैं जी नदीम साहब हमारे साथ। और नदीम भाई ये कबूतर थे जो तैयारी में थे, जिनको हमने उड़ाया भी है, और अभी ये आप इनको ले रहे हैं सर, सेटिस्फाई हैं? हाँ आ रही है सही। अच्छा ये सारे मेल्स हैं? नहीं ये एक मेल है, बाकी फीमेल्स हैं। ये मेल ये बस ये नीचे बैठा हुआ, ये लंबा गोल्डन। हाँ ठीक है पूरन भाई, ये जितने भी कबूतर हैं इनमें जो मेन आपके जो कबूतर ये सारे घर के ही हैं आपके? बिल्कुल घर के हैं, जो मेल है इसका जो बाप है घर का, ये ऊंचा जो खड़ा हुआ है मेल, ये मेल जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बाकी कबूतर जो है ये सब घर के हैं, बाप भी यानी कि वहां से आया, तो ये बच्चा यही निकला हुआ? ये निकला है, इसका बाप जो है मैं नुमान ने गिफ्ट किया था मुझे। अच्छा जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये इनमें जी ये इस वक्त हैं 2, 2, 4 और 5 कबूतर हैं, बाकी जो कबूतर हैं वो आपके मूव हो गए हैं, उनको ब्रीडिंग में या किसी दोस्तों के पास? नहीं दोस्तों के पास नहीं, उन्हें मैं घर ले गया। अच्छा घर ले गए। हाँ सही है, ताकि जी जी जो है उनको आगे चला वायरस पड़ा हुआ। सही, तो मैं फिर डर के मारे जो मेरे कुछ बड़े कबूतर थे मैंने यहाँ से हटा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मूव कर दिया। ये इसलिए ले के आए हूँ कि इन्हें हम रात की ट्रेनिंग देनी है असु के। हाँ जी, तो मैंने इन्हें इसलिए इधर छोड़ दिया कि रात को इधर इन्हें भिजा दूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, ये रात के नहीं थे उनमें ये, लेकिन उस वक्त परफेक्टली नहीं थे, परफेक्टली नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखें जी नाज़रीन, ये कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं रात के इस पैर में भी आपको माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से बैठे हुए, और बहुत ही आला शाहिद अरशद साहब, थैंक यू वेरी मच जी।
ये रावलपिंडी इस्लाम आबाद के चैंपियन कबूतर हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो इस साल में चैंपियनशिप आई और माशाल्लाह जो 5 दिन थे उनमें एक दिन हमारी सेंचुरी नहीं है, 4 दिन सेंचुरी है, जिनमें सबसे हाईएस्ट जो है वो 138 है, 138 आवर्स और समथिंग मिनट्स कुछ से, तो वो नहीं, तो वो, और वो ये सारा सिरा इन्हीं कबूतरों का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। मुल्की एटलांटिक मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अब्बास, इस वक्त आपसे चाहेगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।